ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। फेसबुक के इस अध्याय में हम सीखेंगे न्यूज फीड, मैसेजेस तथा इवेंट्स ऑप्शन का उपयोग करना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं उसमें से पहला है फेवरेट्स। इसके अंतर्गत हमने अभी फोटोज वाला ऑप्शन सीख लिया है। अन्य जो ऑप्शंस हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें है न्यूज फीड। तो आपके होम पेज पर जो भी पोस्ट्स आती हैं या जो भी फोटोज वगैरह पोस्ट किए जाते हैं वो सारे आपको न्यूज फीड के अंतर्गत दिख जाते हैं। इसके बाद है मैसेजेस। अगर किसी ने आपको कोई मैसेज भेजा है तो वो आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। वैसे जैसे ही कोई नया मैसेज आएगा तो वो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। जितने मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पर नंबर आ जाते हैं। और अदरवाइज अगर आपको मैसेजेस पढ़ना है या कोई पुराने मैसेजेस भी देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो देखिए जितने भी मैसेजेस आए होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब इसमें से किसी को भी अगर आपको रिप्लाई करना है तो उस पर आप क्लिक करें। अभी जैसे प्रवीण कुमार सिलेक्टेड है तो यहाँ पर आपको ये रिप्लाई के लिए बॉक्स मिल जाता है। इसमें आप अपना रिप्लाई टाइप करें और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें तो वो मैसेज जो है वो उस व्यक्ति तक पहुँच जाएगा। अगर आपको अपनी तरफ से किसी को मैसेज भेजना है तो ये यहाँ पर न्यू मैसेज आपको ऊपर लिखा हुआ मिलता है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर जिसको भी आपको मैसेज भेजना है उसका आप नाम टाइप कर दें, पर ध्यान रखें कि जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में एडेड हैं जिनका फेसबुक अकाउंट है उन्हीं को आप मैसेज फेसबुक के थ्रू भेज सकते हैं। जिसको भी मैसेज भेजना है उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने जे आई लिखा तो यहाँ पर जितेंद्र, मोनू, जितेंद्र बंसल ये आ गए हैं। अब इसमें से जिसको भी आपको भेजना है उस पर आप क्लिक करें। मान लीजिए हम जितेंद्र बंसल को मैसेज करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको फिर मैसेज लिखने के लिए बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर कर्सर रखकर क्लिक करें और फिर अपना मैसेज लिख दें और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें तो मैसेज उस व्यक्ति तक पहुँच जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखने के लिए हम वापस होम पेज पर चलते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इवेंट्स का। इवेंट्स पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स की जानकारी मिल जाएगी, जिसमें नॉर्मली आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड शामिल हैं उन सब के बर्थडेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर उन्होंने बर्थडे दिए हों तो वो उसकी जानकारी आपको मिल जाती है कि इस मंथ में किसका बर्थडे आने वाला है। इसी के साथ अगर किसी ने किसी इवेंट में आपको इनवाइट किया है तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। ये तो हुई आने वाली इवेंट्स की जानकारी, पर अगर आप खुद कोई इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसकी सुविधा आपको इसमें मिलती है। इसके लिए यहाँ राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको क्रिएट इवेंट का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट इवेंट पर जाकर के क्लिक करें तो यहाँ पर ये आप नई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो नाम में आप डाल दें उस इवेंट का नाम जो भी है, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया ही हुआ है। तो अगर आप बर्थडे पार्टी दे रहे हैं तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी इवेंट का नाम लिख दें। इसके बाद और अगर कोई डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो डिटेल आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी पार्टी के लिए कोई ड्रेस कोड है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए डिटेल में हमने दे दिया ड्रेस कोड ट्रेडिशनल, ये हमने पार्टी की डिटेल दे दी। अब इसके बाद वेयर में हमको बताना है जिस जगह आप पार्टी दे रहे हैं वो जगह आप यहाँ पर टाइप कर दें। अगर आप अपने घर पर ही पार्टी दे रहे हैं तो आप अपना यहाँ पर एड्रेस टाइप कर सकते हैं। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी और जगह पार्टी दे रहे हैं गार्डन में तो आप उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दें। यह हमने एड्रेस टाइप कर दिया है जहाँ पर पार्टी है, एंटर प्रेस करके आगे आ जाएं। उसके बाद वेन में आपको किस दिन आप पार्टी दे रहे हैं वो यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर आ जाएगा। मान लीजिए 17 नवंबर को आपका बर्थडे है। अब नवंबर मंथ तो अभी चल रहा है, अगर आगे का कोई मंथ आपको लेना है तो उसके लिए
यहाँ से आप आगे जा सकते हैं और यहाँ से आप पीछे आ सकते हैं। तो ये हमने तारीख चुन ली है। इसके बाद हम अगली चीज़ पर आ जाएंगे, ये है टाइम। अब यहाँ पर आपको समय देना होगा। मान लीजिए शाम को 7 बजे पार्टी है तो यहाँ पर हम डाल देंगे 7। अब यहाँ पर ध्यान रखें, शाम की है तो हमको PM चाहिए और सुबह की अगर हो तो AM चाहिए। तो ये 7 PM हम ले लेंगे। एंड टाइम कब तक पार्टी चलेगी, एंड टाइम भी अगर आपको डालना है तो एंड टाइम पर क्लिक करें। और यहाँ पर जैसे ये 10 PM अपने आप आ गया है, अगर आपकी पार्टी 9 बजे तक ही चलने वाली हो तो वो आप डाल दें। ये हमने 9 PM डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी में आप चुन सकते हैं कि आपको किसको बुलाना है। यहाँ पर अभी इनवाइट ओनली सिलेक्टेड है और ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप सार्वजनिक इनविटेशन देना चाहते हैं तो आप पब्लिक चुन सकते हैं, और अगर आपके जो गेस्ट हैं उनके फ्रेंड्स को आप बुलाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ऑफ गेस्ट चुन सकते हैं, और नहीं तो इनवाइट ओनली ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसको हम रहने देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट अपने फ्रेंड्स को साथ में ला सकें तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब किन किन दोस्तों को आपको बुलाना है उसको चुनने के लिए इनवाइट फ्रेंड्स पर जाएं, क्लिक करें। अब ये आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसमें से जिसको आपको बुलाना है, मान लीजिए हम आरती जादून को इनवाइट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें, और हेमंत चौहान को हम बुलाना चाहते हैं तो हेमंत चौहान को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से जिन जिन भी फ्रेंड्स को आपको बुलाना है उनको आप सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ सबसे नीचे दिया होगा सेव, इसको सेव कर दें। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, 2 फ्रेंड्स इनवाइटेड। अब क्रिएट पर क्लिक कर दें तो ये आपकी इवेंट जो है वो क्रिएट हो गई है। और इस तरह से ये आपको नज़र आएगी, बर्थडे पार्टी, तारीख, दिन यहाँ पर आपको दिख गया, संडे को है, कितने बजे से कितने बजे तक है, ये समय यहाँ पर आ गया, कहाँ पर है यहाँ पर आ गया, उसका जो भी डिटेल है जैसे हमने ड्रेस कोड दिया है तो वो यहाँ पर आ गया है। अब जिनको आपने इनवाइट किया है वो यहाँ पर इनवाइटेड में आ गए हैं 2 लोग, और अब इसमें से जो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो जाने वाले हैं, वो यहाँ पर आपको गोइंग में दिख जाएंगे। मतलब इस इवेंट में जो भी शामिल होने वाले लोग हैं वो आपको यहाँ पर उनका नंबर पता चल जाएगा। अब जैसे ज्ञान यज्ञ होस्ट है तो वो नाम यहाँ पर आ ही गया है, ये एक तो है ही। अब इनवाइटेड में से और जो लोग इसमें शामिल हो रहे होंगे अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब ये यहाँ पर अभी हमने जो हमारे इनवाइटेड फ्रेंड्स हैं उसमें से एक के अकाउंट पर हम हैं, हेमंत चौहान का फेसबुक अकाउंट हमने खोल रखा है। अब यहाँ पर भी देखिए, होस्ट के होम पेज पर जैसा नज़र आ रहा था यहाँ पर ज्ञान यज्ञ, यहाँ होस्ट लिखा हुआ दिख रहा था। अब यहाँ पर जिसने इनवाइट किया है, यानी ज्ञान यज्ञ की तरफ से ये इन्विटेशन था, तो ज्ञान यज्ञ के इवेंट वाले ऑप्शन में हमने देखा था ज्ञान यज्ञ के साथ ब्रैकेट में होस्ट लिखा हुआ था। अब ये फेसबुक अकाउंट हमने खोल रखा है एक इनवाइटी का, जिसको हमने इनवाइट किया है, उसके इवेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर ज्ञान यज्ञ इनवाइटेड यू नज़र आ रहा है, और 2 लोगों को इनवाइट किया है तो इनवाइटेड 2 ये यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर इनविटेशन को अगर आपको एक्सेप्ट करना है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर दें। अगर आप को पक्का नहीं है, आप शायद जाएं शायद न जाएं, अभी असमंजस की स्थिति में हैं, तो आप मे बी पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको इनविटेशन डिक्लाइन करना हो, यानी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना है, आप नहीं जाने वाले हैं, तो आप डिक्लाइन पर क्लिक कर दें। मान लीजिए हेमंत चौहान को एक्सेप्ट करना है इनविटेशन, तो ज्वाइन पर जा कर के हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, गोइंग में 2 हो गए हैं लोग, और इनवाइटेड में अब केवल 1 व्यक्ति बचा है जिसने अभी तक न तो एक्सेप्ट किया है न उस इनविटेशन को डिक्लाइन किया है। अब हम वापस चलते हैं
ज्ञान यज्ञ के फेसबुक अकाउंट पर जिसने कि ये इवेंट क्रिएट की है। ये देखिए, अब हम वापस ज्ञान यज्ञ के होम पेज पर हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आ गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ये मैसेज मिलता है, हेमंत चौहान इज़ ऑल्सो गोइंग टू बर्थडे पार्टी। वापस होम पर आ जाएं। अब यहाँ पर ये चीज़ हम इवेंट्स पर जाकर के भी देख सकते हैं। इवेंट्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, संडे नवंबर 17 में ये ज्ञान यज्ञ की बर्थडे पार्टी और ये जो भी इवेंट है वो आपको नज़र आ रही है, और साथ ही हेमंत चौहान इज़ गोइंग, ये मैसेज भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। यू आर होस्टिंग एंड हेमंत चौहान इज़ गोइंग, ये आपको मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। फेसबुक के इस अध्याय में हमने सीखा न्यूज़ फीड, मैसेजेस तथा इवेंट्स ऑप्शन का उपयोग करना।